यशोमती मैया के नंदलाला। पर भैया जे बछड़ा अनुकूत पाती लग रो है, कहीं भूल से इसकी दुलत्ती काना को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नट खटू। पाप करने वाले को संभालना आतो है मुझे। लला संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही चार बार प्रयास कर चुका हूँ पाना, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में का कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। काना ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। आना बता ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि फेम इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गयो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो तो? मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगू? हाँ हाँ काना, 100%, बहुत अच्छे। बाबा बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगू ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकते हो ना? ना काना, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब भैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, आप ही ने तो सिखाया है। स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये? सबसे अधिक ना मैया ना। अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गो मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया।
अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक काना की जय। गोपालक काना की जय। गोपालक राजकुमार कृष्ण की जय। गोपालक यशोमती मैया के नललाला की जय। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी माँ से है। उठो ना मैया, उठो मैया, भोर हो गई है। भोर अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया, आपने तो कही थी भोर होते मुझे उठा दोगे आप, पर आप फिर भी ना उठ रही। तूने पूरी रात सोने कहाँ थी? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गांव मैया भी भूखे होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया। कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? और नहीं तो क्या? जिगराता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगो। कई सब जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए। सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी काका दाऊ सब। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके दाँत तोल करता हूँ। उसके पांव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी, यही कहीं होगी ना काना, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन जेले। मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी। मैया शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है, बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगो, इस सब में तो बहुत समय लगेगो। कोई समय ना लगेगो, ये रही लकड़ियां। आ जा काना। मैं विलंब करना चाहती हूँ ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए, बिना रोके ही उसे रोक पाऊँ, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर ये है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी। अब मेरा नया वाला पटका कहाँ चले गयो? कमर पर बांधा था मुझे। जे तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो,
यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ, हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिली नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। मैया मुझे विलंब होगा तो ताऊ जी ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक देखूं। यहाँ भी ना है, कहीं बुहारते समय बाहर तो ना गिर गई। जे तो रही, जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना दिखा होगा। लल्ला ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले। जा यशोदा। तुम जानबूझकर विलंब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं, पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को जय निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है या उसकी प्रगति में बाधक। विचार वश करना। भी सो गया। बड़ा दाऊ होने की यही हानि है, मैं नहीं सो सकता, मुझे तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। दाऊ तो पैरे पर है, यदि यही नहीं सोए तो वर्चस्व का वध कैसे करूंगा मैं। दाऊ अब पहरा देने की मेरी बारी है, आप जाओ और विश्राम करो। कोई बात नहीं काना, तुम छोटे हो मुझसे अधिक, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वही तो, मैं छोटा हूँ, अपने होते हुए आपको श्रम थोड़ी ना करने दूंगा। मेरी हद समझ के मान लो, जाओ विश्राम कर लो। अब आओ वत्सासुर, तुम मुझसे युद्ध के लिए आतुर हो ना, तो मैं भी तत्पर हूँ। चाहे जितनी दृष्टि रख लो विष्णु अवतार, मैंने कहा था ना इस रूप में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। आओ बस थोड़े और निकट आ जाओ, फिर एक ही प्रहार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। ये क्या बुरी, तुम तो कछु खा ही ना रहे, अच्छे से खाओ। अरे घुमक्कड़, बस घूम मती, कछु खा भी ले, नहीं तो कल से लाऊंगी ना चराने के लिए। लटखड़ा मुंह क्यों छुपा रहा है, कछु अनुचित करो है या करने वालो है, तो बता दे क्षमा कर दूंगा। क्षमा कर दूंगा, बहुत दयालु हूं मैं, बहुत क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। तुम तो बहुत सुंदर हो। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.